सुमिरन तेरे से सुख हो मैं, सुमिरन तेरे से सुख हो वे, मिटे जीवन की त्रास, मिटे जीवन की त्रास। सुमिरन तेरे से सुख हो वे, सुमिरन तेरे से सुख हो वे, मिटे जीवन की तेरे, नमन करूं मैं चरण में तेरे, बहे आंसू की धार, बहे आंसू की धार। नमन करूं मैं चरण में तेरे, नमन करूं मैं चरण में तेरे, बहे आंसू की धार, बहे आंसू की धार। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, जीवन के आधार, जीवन के जय 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 शिव है, जय जय।
ज्योति जगे तेरी हर घट में, ज्योति जगे तेरी हर घट में, तुम हो तेज प्रकाश, तुम हो तेज प्रकाश। ज्योति जगे तेरी हर घट में, ज्योति जगे तेरी हर घट में, तुम हो तेज अगम अजब अपार, अगम अजब अपार। जय 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 शिव हे, जय 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 शिव हे, जय 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 शिव हे, अनादि अनंत सच्चिदानंद घन शिव, आनंद स्वरूप कल्याण स्वरूप मेरा आत्मा, और अपने ही आत्म देव का स्मरण करना निश्चित ही पार करता है। शरीर जड़ है और इस शरीर से जुड़ा हुआ सारा जगत भी जड़ है। जड़ का चिंतन दुख विषाद रोग को बढ़ाता है, क्योंकि यह जड़ का स्वभाव है। जगत जड़ है और जगत के स्वभाव दुख रूप है। दुख का चिंतन करने से दुख ही तो होगा। जगत असार है तो असार का चिंतन करने से असारता ही तो बढ़ेगी। संसार परछिन्न है, परछिन्न का अर्थ सीमाएं हैं जिसकी। ऐसे सीमाओं से बंधे हुए जगत और जगत के विषयों का स्मरण करने से मन की भी सीमाओं का जाल और गहरा होता है। संसार का स्वभाव
असत है। ये सत नहीं है, और जो सत नहीं है उससे प्रीति बढ़ाने में सार क्या। इसीलिए महादेव कहते शमशान भूमि को ही अपना आसन बनाते, क्योंकि शमशान एक जीवित प्रतिबिंब है जगत की असारता का। कहते हैं महादेव अपने शरीर पर चिताओं की राख को ही लगाते थे, चिताओं की राख, जिस राख को उस शरीर के संबंधी छूना भी पसंद नहीं करते, महादेव उसी शव की राख को अपने जिस्म पर लगा लेते थे। तो एक दृष्टि से जिसको अपने भी नकार देते हैं, शंभु उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। जो तिरस्कृत है उस तिरस्कृत को भी अंगीकार करते हैं। इसलिए हिंदुओं ने अगर सबसे अधिक किसी देव की पूजा की है तो वो शिव है। उतने मंदिर विष्णु के नहीं दिखेंगे, उतने मंदिर कृष्ण के नहीं दिखेंगे, उतने मंदिर राम के नहीं दिखेंगे, जितने मंदिर शिव के दिखेंगे। शिव की पूजा का प्रतिबिंब जिसको लिया जाता है वह एक सर्वसाधारण पत्थर है। किसी भी गोल पत्थर को शिव का चिन्ह जानकर योगी उस शिवलिंग पर ध्यान धरते, न कोई षोडश पूजा की आवश्यकता, न सामग्री की आवश्यकता, न किसी विशेष मूर्तिकार से बनी हुई मूर्ति को लाने की खरीदने की आवश्यकता। कहा किसी भी स्थान की मिट्टी को, रेत को, बालू को तुम शिवलिंग का आकार दो तो वो महादेव का ही चिन्ह हो जाएगा। मिट्टी का बना मनुष्य का शरीर तो इसका देव चिन्ह भी मिट्टी का ही तो होगा फिर। पर जैसे इस शरीर में शिव चैतन्य है, आत्मरूप से शिव चैतन्य है, वैसे ही उस बालू का, मिट्टी का बना हुआ शिव पिंड भी, वह शिवलिंग का आधार भी चैतन्य आत्मा ही। मिट्टी का देह और मिट्टी का ही शिवलिंग। महादेव की पूजा हिंदुओं ने सबसे अधिक की है। आप कैसा भी जीवन जियो, अच्छा बुरा, आप कैसी भी स्थितियों में रहो, सुख दुख, शुभ अशुभ, मान अपमान की, हर प्रकार के जीवन का अंत मृत्यु ही है। और शिव को मृत्यु का देवता कहा, विध्वंस का देवता, प्रलय का देवता। यही कारण है जीते जी को ईश्वर स्मरण न भी करे, मृत्यु को करीब आते देखते ही आदमी ईश्वर स्मरण करने लग जाता। फकीरों ने, महात्माओं ने, योगियों ने
यदा कदा अपने शिष्यों को वैराग्य से पूर्ण करने के लिए मृत्यु का ही सहारा लिया और कह दिया तू मरेगा, तू मर जाएगा, और अपने गुरु अपने ऋषिवर के मुख से अपनी मृत्यु की सूचना सुनते ही शिष्य के भीतर एक कोलाहल, एक व्याकुल मच जाता कि गुरु कह रहा है मर जाएगा तू। अब जब जीने को दिन ही कोई नहीं बचे तो फिर मैं व्यर्थ संसार की दौड़ क्यों लगाऊं? अजब बात है ना। जब तक जीवन का एहसास रहता है तब तक आदमी संसार के पीछे भागता है, मृत्यु की सूचना मिलते ही कैसे दौड़ बंद हो जाती। किसी भी स्वस्थ आदमी को अगर ये खबर हो जाए कि जिस शरीर में उठे रोग को वो छोटा सा रोग मान रहा है, वह रोग तो बहुत गंभीर रोग है और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा स्वस्थ आदमी क्या करेगा, कौन से स्वप्न बुनेगा, कौन सी योजनाओं को, कौन सी प्लानिंग को करेगा? एक झटके में सारी दौड़ बंद हो जाती। इसीलिए संतों ने इस बात को गहराई से समझा और बहुत समझदारी से ही ये चुनाव किया कि महादेव का अगर कोई स्मरण करेगा तो निश्चित उसके चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा। कारण नहीं कि ना हो, क्योंकि महादेव चिन्ह है मृत्यु के।